नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने सिरसा की पांचों विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा करेगी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तो हार पर मंथन करेगा। पार्टी की हार में कई कारण शामिल हैं। हमें विधानसभा चुनाव में जितनी उम्मीद थी उतना रिजल्ट नहीं मिल पाया। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ के सवाल पर कमल गुप्ता ने कहा कि फिलहाल वे इस दौड़ में शामिल नहीं हैं। पार्टी उन्हें कोई भी जिम्मेवारी देती है तो मंजूर होगी। मीडिया से बातचीत करते हुए कोमल गुप्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा की गई है, इसके साथ संगठन के चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई है और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षियों का काम बोलना है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लोमड़ी ने अंगूर खाने की कोशिश की, जब अंगूर के पास नहीं पहुंची तो लोमड़ी ने कहा अंगूर खट्टे हैं। उन्होंने 75 पार की बजाय 40 तक सीमित रहने के सवाल पर कहा कि इस मुद्दे पर चिंतन करेंगे। पार्टी को ज़्यादा उम्मीद थी लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिल पाया, इस पर शेष नेतृत्व मंथन करेगा। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। हमारे सिरसा विधानसभा के अध्यक्ष, उनसे भी अनुरोध कि वो कृपया मंच पर पहुंचे। श्री हनुमान कुंडू जी हमारे ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष, उनसे भी अनुरोध कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज यहां पर हमारे सिरसा और संगठनात्मक बैठक लेने के लिए हमारे बीच में तो क्या हार की कोई समीक्षा भी की गई कार्यकर्ताओं से बातचीत नहीं? हार की भी बात चलती है तो वो भी एक हिस्सा था, उसमें भी बातचीत हुई। मैंने जैसा आपको बताया कि संगठन के चुनाव होने हैं जी, और इसलिए कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, उनको इस बात के लिए आगाह करना कि ये पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है जी। ये पार्टी कोई बाप बेटे की कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है। हर 3 साल के बाद चुनाव होते हैं। इस दफ़ा हमारे क्योंकि चुनाव थे तो इसलिए 1 साल एक्सटेंड हो गया, 4 साल हो गए, तो पार्टी ने अपना चुनाव करवाना है, तो इसके निमित्त हमने ये मीटिंगें ली और हर विधानसभा की मीटिंग ले रहे हैं, पूरे हरियाणा में ले रहे हैं। तो सरकार कैसे चलेगी? पूरे 5 साल चलेगी? सरकार पूरे 5 साल चलेगी, आपको शक है क्या? नहीं, विपक्षी कह रहे हैं, खासकर हुड्डा साहब कह रहे हैं। विपक्षी का तो काम है ये कहना, उसके पास और क्या विषय है? कोई मुद्दे उसके पास है नहीं तो वो यही कहेगा, वो लोमड़ी ने अंगूर खाने की कोशिश की और वो नहीं पहुंची तो उसने कहा अंगूर कट्टे, तो वही बात इनके साथ है। बात तो वही रही गुप्ता जी, 75 पार की बात कर रहे थे, 40 पे आ गया टक्के। हाँ, इस पर हम चिंतन करेंगे ना, हमें अपेक्षा थी कि हमारी सीटें ज़्यादा आएंगी, कम आई, इसकी जो उचित नेतृत्व है इस पर चिंता करेगा, मंथन करेगा। टिकटों के बंटवारे को लेकर के कहीं ना कहीं लूज पॉइंट रहा, जो टिकटें बांटी गई उसमें भी देखिए, जब कोई भी चीज़ कम होती है तो उसके अनेक फैक्टर्स होते हैं, उसका चिंतन करेंगे ना। संगठन की नए संगठन की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँचे, किस तरह से पूरी कर ली जाएगी, कब तक? ये देखिए, हमारे पहले जितने भी बूथ हैं उन पर बूथ अध्यक्ष चुने जाएंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, तो डेमोक्रेसी से बूथ अध्यक्ष चुने जाएंगे। फिर वो बूथ अध्यक्ष मंडल इकाई को चुनेंगे, मंडल इकाई जिला की इकाई को चुनेगी, और फिर जिला की इकाई प्रदेश की इकाई को चुनेगी, प्रदेश की इकाई राष्ट्रीय इकाई को चुनेगी। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में? मैं किसी चीज़ की भी दौड़ में नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जहाँ उपयुक्त समझेगी वो हम तो नट बोल्ट हैं, जहाँ कसेगी कसे जाएंगे। मुख्यमंत्री के लिए भी नाम चल रहा था सर आपका, मुख्यमंत्री कहीं भी किसी भी चीज़ में भी, हम किसी भी चीज़ की दौड़ में नहीं। सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री को लेकर के भी नाम चला? सोशल मीडिया तो आप चलाते हैं, आप कहीं भी चला लो, आपका क्या।